हर स्टेट में मुझे युवा मिलते हैं, मैं पूछता हूं क्या पढ़े, कहते हैं इंजीनियरिंग की, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की, आईएएस के लिए तैयारी की, और फिर मैं पूछता हूं भाई आप करते क्या हो, कहते हैं राहुल जी, शर्मा के कहते हैं राहुल जी हम तो मजदूरी करते हैं, कोई कहते हैं मजदूरी करते हैं, कोई कहते हैं भैया हम पकौड़े पका रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर और आप देख रहे हैं इन खबर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जी हां, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और उसके बाद सियासत में लगातार हलचल दिखाई दे रही है। जहां एक ओर तापमान लगातार नीचे गिर रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में पारा हाई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जैसे ही राहुल गांधी ने एंट्री ली उसके बाद पीएम मोदी पर धावा बोलना उन्होंने यहां पर शुरू कर दिया है। इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी, और बेरोजगारी की जब बात आती है तो सबसे पहले आपको बता दें राहुल गांधी पीएम मोदी को घेरते हुए नजर आते हैं, बीजेपी को घेरते हुए नजर आते हैं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जहां पर राहुल गांधी बता रहे हैं कि किस तरह से युवा जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी आलू के पकौड़े बेचने को मजबूर है। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य हुआ होगा लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में ये बात कही है कि जब उन्होंने एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बात की तो वो बताते हैं कि किस तरह से इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाती है, इतनी बड़ी डिग्री मिलने के बाद भी शर्माते हुए लड़के उनसे कहते हैं कि सर हमें तो पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। और आपको बता दें राहुल गांधी ने इसी के साथ साथ यहां पर अग्निवीर अग्निपथ योजना को लेकर भी, जहां पर अग्निवीर बनाने के लिए बीजेपी द्वारा या फिर कहें कि सरकार द्वारा जो योजना लाई गई थी उस पर अमल करने की बात कही, तो वहां पर राहुल गांधी कहते हैं कि 6 महीने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देकर आप उन्हें अग्निवीर बना दीजिए और उसके बाद उनका जो भविष्य है वो तो सब खत्म हो ही जाएगा। तो पीएम मोदी पर यहां पर जमकर निशाना साधा है उन्होंने, आप खुद सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। हमारा छोड़ो, जनता जनता के मित्रों का काम नहीं करते ये, क्योंकि अगर आपके मित्र होते तो आपको देश की सच्चाई दिखाते, बेरोजगारी के बारे में बताते, महंगाई के बारे में बताते, मगर नहीं, ये तो आपको चीता के बारे में बताते हैं। देखो अफ्रीका से 4 चीता आए हैं, देखो जंगल में घूम रहे हैं, देखो ये भी सवाल पूछा कि क्या चीता हिरण को मारेगा या नहीं, मतलब अफ्रीका का चीता हिंदुस्तान में आकर हिरण को मारना भूल जाएगा। 110 दिन हो गए मगर अजीब सी बात है थकान नहीं है। आप देखिए मेरा चेहरा देखिए, कोई थकान नहीं है। लोग पूछ रहे टी शर्ट में कैसे चल रहे हो, ना थकान है ना ठंड लग रही है मुझे, मैं क्या बोलूं। अच्छा, जो प्रेस वाले हैं एक बात देखो इनके बारे में और बहनों, दो और मुद्दे हैं यात्रा के। एक है महंगाई, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आते थे जब यूपीए की सरकार थी, कहते थे गैस सिलेंडर 400 रुपए का हो गया है, 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। भाइयों बहनों, आज कितने का है? मगर आज प्रधानमंत्री नहीं आते, आज आकर नहीं कहते कि भैया 1100 का हो गया। अच्छा, एक और सवाल है भैया, ये जो 1100 और 400 रुपए का फर्क है ये किसके जेब में जा रहा है? ये किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना, मतलब ये आसमान में तो नहीं गायब हो रहा। तो याद रखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के जो खास मित्र हैं, 3-4 खास मित्र हैं, ये जो आपके गैस सिलेंडर का पैसा आपके जेब में से निकाला जा रहा है उनके जेब में डाला जा रहा है। अच्छा भाइयों और बहनों, पेट्रोल का क्या दाम हुआ करता था यूपीए के समय? 60 रुपए, आज क्या है? 100। तो ये भी याद रखिए, ये जो 60 रुपया जो है जो आपके जेब में से निकाला जा रहा है, ये भी उनके 2-3 मित्रों के जेब में जा रहा है। तो हमारा दूसरा मुद्दा महंगाई, और तीसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो देश में नोटबंदी, गलत जीएसटी के कारण बेरोजगारी फैली है। आज 3000 किलोमीटर में
हर स्टेट में मुझे युवा मिलते हैं, मैं पूछता हूं क्या पढ़े, कहते हैं इंजीनियरिंग की, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की, आईएएस के लिए तैयारी की, और फिर मैं पूछता हूं भैया आप करते क्या हो, कहते हैं राहुल जी, शर्मा के कहते हैं राहुल जी हम तो मजदूरी करते हैं, कोई कहते हैं मजदूरी करते हैं, कोई कहते हैं भैया हम पकौड़े पका रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आलू के पकौड़े बना रहे हैं। अच्छा एक रास्ता था युवाओं के लिए अग्निवीर वाला, उसमें क्या था, सुबह युवा उठते थे 4 बजे उठते थे, दौड़ते थे, यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे, देश की रक्षा करने के लिए दौड़ते थे, और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे, सपना था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा, और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो देखिए दूसरा रास्ता का यात्रा का रास्ता जेल रेलवे का यात्रा के का रास्ता, उसको भी एक के बाद एक बेच रहे हैं, उन्हीं 3-4 लोगों को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट भी उनको दिए जा रहे हैं, पोर्ट भी उनको दिए जा रहे हैं, रेलवे भी उनको दी जाएगी, LIC भी उन्हीं के हाथ जाएगी, BHL BHEL HL सब उनके हाथ जाएगा, और हिंदुस्तान के युवा बेरोजगार होंगे। ये है नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान, इसके हम खिलाफ हैं, और इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है, और हम इसलिए नहीं थके हैं क्योंकि आपने अपनी पूरी शक्ति अपना पूरा प्यार इस यात्रा को दिया है। तो सुन लिया आपने, ये हैं राहुल गांधी जो कि अग्निवीर को लेकर बड़े सवाल उठा रहे हैं, पीएम मोदी पर धावा बोल रखा है, और उसके बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट की जो कहानी बताई उन्होंने कि किस तरह से देश का युवा परेशान है, देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा बेरोजगारी है। अब आप बताइए क्या है रेशो बेरोजगारी का, आप क्या करते हैं, या फिर देश में बेरोजगारी के इस हाल पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, कमेंट करिए, और तमाम खबरों के लिए बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।